पार्ट फोर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सोचने के बाद भी किमी फिर शो से नहीं मिलती। मायाया और बैम्बू तो उसे फिर घर से बाहर ही निकाल देती हैं। सुकी तो अब चीकू और जीजी को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है कि मैं लड़का हूँ, एक्चुअली में मैं लड़की ही हूँ। अब वो तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती कि तुम्हारे डैड ने खुद हमें बताया है कि तुम उनके बेटे हो। अब फिर वो उन्हें झूठ बोलने लगते हैं कि डैड ने मेरी परवरिश लड़कों की तरह ही की है, एक्चुअली में वो मुझे पॉलिटिक्स में जुलाना चाहते हैं, लेकिन असल में मैं हूँ लड़की। अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को उसकी बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। और वो फिर घर आकर अपनी बाकी की फ्रेंड्स को भी इस बारे में बता देती हैं कि हम जैसा समझ रही थी कि सुकी एक लड़का है, लेकिन वो लड़का नहीं बल्कि लड़की ही है, सो डोंट वरी। फिर दूसरी तरफ सुकी एक बार में आया होता है, तो वो जब जेली फिशेस वाली ड्रेसेस देख रहा होता है तो उसकी फ्रेंड्स की भी नज़र उन पर पड़ जाती है और उन्हें तो ये ड्रेस काफ़ी पसंद आती हैं। फिर यहाँ पर सुकी को मायाया की कॉल आती है एंड वो उससे मिलकर उसके साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए वो उससे एड्रेस का पूछ लेती है कि तुम कहाँ हो, हम भी वही तुम्हारे पास ही आ रही हैं। अब वाकई में वो तो बार में पहुँची होती हैं। इन्हें देखकर तो सुकी की फ्रेंड्स इनका मजाक उड़ाने लगती हैं, जो कि इन गर्ल्स को बहुत बुरा लगता है, और ये फिर वहाँ से चली जाती हैं। बाहर आकर सुकी जब इन्हें अपने साथ खाना खाने चलने के लिए कहता है तो अब इनका खाने में इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। सुकी की एक फ्रेंड को जेली फिशेस ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ जाती है एंड वो सुकी को ये ड्रेसेस बनाने के लिए कह देती है। अब सुकी को तो मनी कमाने का बेहतर मौका मिल गया था और वो इन गर्ल्स के पास आकर इन्हें जेलीफिश ड्रेसेस बनाने के लिए कहता है। अब उन ड्रेसेस की शेप्स बनाने के लिए सुकी को तो कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होते, तो वो इस बात से काफ़ी चिढ़ती हैं। अब फिर बैम्बा यहाँ पर सुकी को पॉइंट आउट करने लगती है कि तुम जब से हमारी प्लेस पे आई हो तब से हमारा तो सुकून ही ख़राब हो चुका है, और वो उसे अब वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि हम जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं, हमें मॉडर्न पीपल्स जैसा नहीं बनना। अब उन्हें यूँ इंटरप्ट करने पर सुकी फिर उनसे अपोलोजाइज करता है और फिर वो वहाँ से जाने का डिसाइड करने लगता है। तभी उसे फिर शो की कॉल आती है और वो जाने से पहले किमी से मिलने जाता है और उससे आज यूँ शू से ना मिलने का रीज़न पूछता है, बट वो उसे कुछ नहीं बताती। खैर फिर सुकी उसे बताता है कि शू आज रात तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए स्टेशन के पास तुम पहुंच जाना, और वो तो अपनी डिसाइड की हुई प्लेस पर पहुंच गया होता है और किमी भी उससे मिलने घर से चल ही पड़ी होती है। तभी फिर शू को इनारी की कॉल आती है और वो यहाँ पर अपने मरने का नाटक करने लगती है कि जल्दी से मेरे पास आओ, देखो मैं मरने वाली हूँ। अब हमारे शू को फिर उसके पास जाना ही पड़ता है। जब तक किमी इस प्लेस पर पहुँचती है तब तक शू वहाँ से जा चुका होता है। इधर बाकी गर्ल्स को एहसास हो गया होता है कि आज ऐसे ही बिला वजह हमने सुकी को बुरा भला कह दिया, वो जो कुछ भी कर रही है हमारी भलाई के लिए ही तो कर रही है, अगर हमने इस प्लेस को ना ख़रीदा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए वो सुकी को वापस बुलाकर बहुत सारी ड्रेसेस बनाने का ही डिसाइड करती हैं। जब शू को पता चलता है कि इनारी ने मरने का नाटक करके उसे अपने पास बुलाया है, वो तो फिर गुस्से में उसे थप्पड़ ही मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इस थप्पड़ के लगने से और कुछ होता या ना होता, बट एक दफ़ा तो इनारी का ज़मीर ज़रूर जाग जाता है, उसका आखिर पारा फर्स्ट टाइम इस आदमी से जो पड़ा था। सुकी किमी के पास आ गया होता है एंड वो यहाँ पर शू के ना आने की वजह से उनसे अपोलोजाइज करता है
और वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। शू ने इनारी को थप्पड़ क्या मारा था, वो तो अब अपने हवासों से ही हाथ धो बैठी थी। उसे हर तरफ उसके थप्पड़ की ही गूंज सुनाई देती है। अब वो चाहे अपने मतलब के लिए ही उसके पास गई थी, लेकिन उसके हार्ट में अब शू के लिए फीलिंग्स डिवेलप हो चुकी थी। सुकी को गर्ल्स ने फिर से अपने पास बुलवा लिया होता है एंड ये सब मिलकर फिर ड्रेसेस की शेप्स वगैरह बनाने के आइडियाज सोचने लगती हैं और साथ में मिलकर उन पे काम भी स्टार्ट कर देते हैं। इनारी तो शू के साथ एक प्लेस पे आई होती है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में किमी को लाइक करते हो, तो वो यस ही कहता है। इस बात से इनारी फिर सैड हो जाती है। टीम वर्क की वजह से गर्ल्स ने ड्रेसेस बनाने वाला टारगेट कंप्लीट कर लिया होता है और इस बात से सुकी काफ़ी हैप्पी होता है। अब फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम किमी को पता चलता है कि शू और सुकी स्टेप ब्रदर्स हैं। बचपन में सुकी अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहता था। उसके मॉम डैड की इलहदगी उसके बचपन में ही हो गई थी। अब फिर लड़का होने की वजह से डैड ने उसे मॉम के साथ नहीं भेजा था और अब उसे मॉम की तलाश थी कि कहीं वो उनसे मिल जाए और फिर वो उनके पास ही चला जाएगा। यहाँ पर किमी को सुकी के लिए काफ़ी बैड फील होता है। अब फिर वो गर्ल्स को मॉडर्न ड्रेसेस पहना कर तैयार करता है और आज इसका इरादा इन्हें उस फैशन शो में लेकर जाने का था जहाँ पर डांसर्स इनकी ड्रेसेस पहनने वाली थी। एक्चुअली में ये उन्हें दिखाना चाहता था कि इनके वर्क को पीपल कितना लाइक कर रहे हैं, इस तरह इन्हें एप्रिसिएशन मिल सकती थी। सो वो उन्हें रेस्टोरेंट पे ले जाने के बहाने से उसी शो में ही लेकर आ जाता है। अब मजबूरन उन्हें फिर वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। अब जब ये अपनी बनाई हुई ड्रेसेस मॉडर्न गर्ल्स को पहना हुआ देखती हैं तो उस वक्त इन्हें बहुत खुशी होती है। अब इसके बाद फिर अपने प्रॉमिस के मुताबिक सुकी इन्हें रेस्टोरेंट भी लेकर जाता है। अब ये लोग तो अपनी एक ब्रांड बनाने का डिसाइड करते हैं जिसका नाम ही ये जेलीफिश ही रखने वाले थे। उधर शू को पता चलता है कि डैड ने तो इसे और इनारी को मिलाने का फुल प्लान बना लिया होता है। वो अब इन दोनों के रिलेशन को यूज़ करके अपना फ़ायदा ही चाहते थे। इस बात से शू काफ़ी सैड होता है और उन्होंने तो अब किमी की प्लेस को गिराने का फुल इरादा कर लिया था और वो अब बहुत जल्दी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव भी करने वाले थे। दूसरी तरफ गर्ल्स ने मिसिस मजीरो से पूछकर अपनी ब्रांड का लोगो बनाने का भी डिसाइड कर लिया होता है। अब बाद में किमी सुकी से पूछती है कि क्या तुम जब हमारे साथ होते हो तो तब तुम एम्बैरस फील नहीं करते हो, तो वो उसे कहता है नहीं। एंड यहाँ पर उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि मुझे तो तुम बहुत क्यूट लगती हो। ये कहकर तो वो फिर वहाँ से भागने की करता है। हाय सो स्वीट ऑफ यू सुकी। इस बात से किमी तो काफ़ी शॉक में होती है कि मैं डम्ब गर्ल इसे क्यूट लगती हूँ। अब फिर नेक्स्ट डे किमी देखती है कि इनके पड़ोस वाली जगह पर कंस्ट्रक्शन टीम पहुँच चुकी होती है और वो उन्हें देखकर काफ़ी शॉक होती है। इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।